सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में एक बार फिर टेंशन का माहौल है। वर्षा की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो बड़ी माँ और मिष्टी भी काफी परेशान है। दरअसल कुहू गुस्से में एक बार फिर घर से गायब हो गई है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है। लेकिन सवाल ये है कि कुहू घर से गई क्यों? चलिए मिष्टी से जानते हैं सवाल का जवाब। एक्चुअली कुहू बहुत नाराज हो गई है सारे घर वालों से क्योंकि वर्षा जी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया है, और उसका राज ये है कि वर्षा जी को पता चल गया है कि वो कुणाल को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। ऑलरेडी दोनों घरों में, दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही क्योंकि मैंने कुणाल को रिजेक्ट कर दिया था और कुहू ही उससे प्यार करती है। तो एक साइड पे मैं और अबीर ये चाहते कि कैसे भी करके हम कुहू और कुणाल का को एक लेकर आएं, लेकिन घर वाले इस बात से बिल्कुल भी राजी होने को तैयार नहीं लग रहे। यानी कि अब तो वर्षा भी जान गई है कि कुहू को कुणाल से प्यार हो गया है, फिर तो तमाशा होना ही था। खैर मिष्टी के होते हुए कोई भी टेंशन ज्यादा देर तक घर में टिक नहीं सकती। मिष्टी कुहू को घर ले तो आई है लेकिन कुहू अपने ही होश में नहीं है। कुछ तो कुणाल के प्यार का नशा और कुछ शराब का साइड इफेक्ट। कुहू बहकी हुई है, वहीं बड़ी माँ वर्षा और जसलीन ये जानना चाहती हैं कि मिष्टी और कुहू भीगी कैसे और वो कहाँ थी। मिष्टी ये देख, बताओ क्या हुआ, बोलना बेटा। मिष्टी कहाँ थे तुम दोनों लोकाड़ा पे? बड़ी माँ एक तो ठंड लग रही है, पहले बाल तो सुखाने दो। मामा मा कितनी हॉट हो। क्या क्या कहा वर्षा? हॉट हॉट यानी आंटी कितनी सुंदर है ना, पागल है। अब वो क्या है ना, बारिश के मौसम में इसे कुछ हो जाता है, रोमांटिक हो जाती है, गाने गाने लगती है, फ्री टू स्टाइल में। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कुहू की वजह से मिष्टी को बार बार झूठ बोलने पड़ रहे हैं। इस बार भी मिष्टी ने कुछ ऐसा ही किया है। मिष्टी, तुम तो कह रही थी कि तुम किसी फ्रेंड के घर गए फिर भीगे कैसे? बारिश, क्या? एक्चुअली कार नहीं थी ना, इसलिए बारिश में भीगे। सबको इधर आओ, हम एक सेल्फी लेंगे। वैसे हम भी यही जानना चाहते हैं कि कुहू तो घर से नाराज होकर गई थी ना, फिर ये नशे में कैसे डूब गई? हाँ, लकीली ये हुआ कि मुझे अबीर और कुणाल और मिष्टी मिल गए और उन्होंने मुझे समझाया और फिर हमने बहुत मस्ती की पानी के साथ बारिश के मौसम में, और फिर मैं घर वापस आ गई तो उसका आफ्टर इफेक्ट है, कुणाल प्लस बारिश प्लस एवरीथिंग ऑल गुड नाइस, तो मैं भूल गई। बड़ी माँ के जाते ही वर्षा एक बार फिर मिष्टी से कुणाल के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वर्षा को तो यही डर है कि कहीं कुहू कुणाल के साथ तो नहीं थी। मुझको लगा तुम लोग कुणाल से मिलने गए थे। अब ये जिद खत्म कर दो, अब तो बाबूजी ने भी साफ कर दिया है कि उन लोगों से कभी नहीं मिलना है। कुहू वर्षा माँ से चाटा खाने के बाद भी कुणाल के इश्क का भूत आपके सिर से उतरा नहीं है, इस बारे में क्या कहना है आपका? मतलब अब प्यार करना है तो ये सब चीजों से तो गुजरना पड़ता है, मुझे लगता है। मुझे जब पहली बार प्यार हुआ था तो मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मोमेंट फिर से आया मेरी जिंदगी में, तो आई कुड रिलेट इंस्टेंटली। और कुहू को वैसे बहुत अच्छा नहीं लगा, उसने बहुत रिवोल्ट किया, उसको अल्टीमेटली थप्पड़ पड़ गई और वो बहुत टूट गई, और बाहर जाकर वो कुछ ऐसा करने की सोचती है कि यू नो विच इज़ नॉट गुड, नोबडी शुड डू दैट। भाई कुहू की बात से तो साफ है कि चाहे घर वाले रूठे या फिर माँ से चांटा पड़े, वो कुणाल को भूलने वाली नहीं है। तो मिष्टी आपने क्या सोचा है, कैसे मिलवाएंगी कुहू और कुणाल को? हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि कुहू, ये कुहू की लाइफ का सवाल है तो उसकी खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसे कुणाल बहुत ज़्यादा क्यूट अच्छा लगता है, आइडियल फियांसे है उसके लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे भी करके कुहू और कुणाल को एक लेके आए। कुणाल से कुहू को प्यार हो गया है और अब तो मिष्टी अबीर के सामने इस प्यार का इजहार भी हो गया है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या अपने लाडले बेटे कुणाल के लिए मीनाक्षी राजवंश को कुहू का रिश्ता मंजूर होगा?
और अगर नहीं होगा तो अबीर मिष्टी कुहू और कुणाल को कैसे मिलवाएंगे? मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।